हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 10% के करीबन की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 304 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो ऊपर में 323 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। स्टॉक काफी टाइम से इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलती है और जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 302 रुपीज पे था। 302 रुपीज के प्राइस को स्टॉक ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, इसके पास काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया तो नीचे में 288 रुपीज तक की गिरावट देखने को मिली। अब इस पॉइंट पर स्टॉक के अंदर एक लोअर सर्किट लग चुका है। यहाँ पर एक लो बनने के बाद निचले लेवल पर एक बाइंग देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक का पिछला सपोर्ट लेवल था 300 रुपीज का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट दिया। अगर आज के दिन स्टॉक 302 रुपीज से ऊपर बंद होता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा और वहां से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पर ऊपर के टारगेट अराउंड 328 रुपीज के टारगेट जल्द ही अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।